अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सी मुनी बरन, वेलकम टू माय YouTube चैनल। गाइस आज है 13वीं इफ्तारी, 13वां रोजा और हम लोग जा रहे हैं इफ्तार करने के लिए। इफ्तार बुफे दो तीन जगह ट्राई किया लेकिन कहीं पे भी बुकिंग नहीं मिली, हर जगह जो है रिजर्वेशन फुल है। सो हम एक रेस्टोरेंट मैंने निकाला है, वहाँ हम जा रहे हैं, सब तैयार है। ऐसा मिनाल भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो पहली इफ्तारी है ये हमारी बाहर और गर्मी है, पता नहीं क्या, शुरू के 10 रोजे में जो इतना अच्छा मौसम था पता नहीं क्यों दोबारा से गर्मी आ गई है। पिछले साल भी हर दफा इफ्तारी में लेट होते। अमल हमारे साथ है। अमल, आर यू एक्साइटेड? तो स्टे ट्यून्ड, लेट्स गो। 6:05 हो रहे हैं इस वक्त और मुकाबला सख्त है, वक्त कम है, लेट्स सी कि हम टाइम पे पहुंचते हैं या नहीं। एवन ने लेकिन बहुत समझदारी का मुजाहरा किया है कि जो मेकअप जो है वो गाड़ी में ही रख लिया है ताकि जो है वो इजीली गाड़ी में रेडी हो जाए, टाइम हमारा जो है वो बचे। अच्छा गाइस, मैंने ये चीज अक्सर नोट की है कि अक्सर रमजानों में इफ्तार से पहले जो है वो लोग पता नहीं क्यों लड़ना शुरू हो जाते हैं रोड पे। WWF आपको नजर आ रही होती है, सब कोई रोजा लग रहा होता। अमल, व्हाई यू वांट 10 डक्स? Play with 10 ducks? Yep. 10? Adla will see all the ducks and he will put in my bowl the duck. Every duck will be happy playing okay, together. Sahi. क्या बोला, किस लिए बोला, क्यों बोला, कुछ समझ नहीं आया लेकिन बोल दिया। बच्चों की बातें ऐसी होती हैं यार, प्यारी मासूम बातें होते हैं। रस चेक करें जरा, कोई रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है, जो घुस गया जो आ गया। थोड़ी ना चिल्ले, फोन मार कर रहा हूं। कोई लॉ नहीं है, कोई रूल नहीं है, जो घुस रहा है आ जाए बस, जो निकल गया वो निकल गया। वाह, रेडी नहीं हो पाया ना घर में, मेरे मियां रेडी, बच्चे रेडी। अमल, विच इज योर फेवरेट फ्रूट? ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, बनाना एंड वाटरमेलन। रियली? चॉकलेट पराठा एंड विद एग। ओके। संडे का सबसे अच्छा फायदा यह है कि आपको सदर में ट्रैफिक नहीं मिलता, वरना ये जिस रोड से भी हम गुजर रहे हैं, ओहो, जो कराची में रहने वाले लोग हैं वो इस रोड को समझ सकते हैं। ये सदर की वो रोड है कि भाई अगर आप यहाँ पे शाम के टाइम पे आ जाना 5 बजे तो आपको लगेगा आप डॉजिंग कार खेल रहे हैं। एट्रियम जो है वो जितने भी 90s के बच्चे हैं ना उन सबका पहला डेटिंग पॉइंट है एट्रियम और मिलेनियम मॉल। जिसने जो है ना वो डेट एट्रियम मॉल में आ जाए वरना मिलेनियम मॉल में आ जाओ। सोना, मैं मिलेनियम मॉल के गेट पे आपको मिलूंगा, आपको पहचानूंगी कैसे, मैंने रेड शर्ट पहनी होगी। कसम से यार, मैंने ऐसे पहचानते हो? हां, रॉन्ग नंबर से जो दोस्ती होती थी। ये नहीं बोला था। क्या बोला था? व्हाई यू सो स्लीपी? लेट्स अमल, दिस वे। इफ्तार का टाइम हो गया बिल्कुल और केक का नामा सर अंजाम दे दिया गया है मेरे लिए। अच्छा जी, इफ्तार में अगर चेक करें तो ये तो सैलेड आ गया, सैलेड मैंने ले लिए है, स्नैक्स, फ्रूट चाट, समोसे, पकौड़े तो बिल्कुल भी मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। तो फ्राइड चिकन खाओ से, ओहो खाओ से, ये तो मेहमानों की डिश बनी है भाई। और दिस साथ में चिकन की डिश है, एक बीफ की है और राइस, बस चलो। ये ले मन, थैंक यू सो मच। कैसा रोजा खुला ना? तीन मेन डिशेज है लेकिन अच्छी बात है कि तीनों मुझे शक्ल से पॉश लग रही है, तीनों वही जो तुम खाती हो। ये मेल लाया? मेरे लाया हूं। सबसे अच्छी बात ये, कम डिशेज सारी अच्छी, सारी मजे की। बहुत ज़्यादा डिशेज वैसे भी आपसे खाई नहीं जाती पसंद है, आप मैक्सिमम 3 से 4 डिशेज खा सकते हैं इंसान। तीनों कुर्सियाँ खाली हैं, ऐसा मिनाल अभी तक पहुँचे ही नहीं है। एमन जो है वो अपने लिए कुछ और लेने गई है, उसने मेरे हवाले कर दिया। बस इतना लेट आया ऊपर से, सिर्फ ये बस, स्मॉल एपेटाइट। थर्ड शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट, नहीं मेरी फिफ्थ, फर्स्ट शिफ्ट। वरना दिल तो अभी चाह रहा है कि 2-3 शिफ्ट मैं भी और लगा लूं। फाइनली डन विद द इफ्तारी, कैसा लगा? मुझे तो मज़ा नहीं आया इतना कोई खास है। मन, व्हाट यू से? जो कि अभी आप बोल रही थी कि अच्छा खाना नहीं था, नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री देना, वो एक चाल थी। चलो चलिए कॉफी पीते हैं यार, कॉफी पीते हैं, बड़ा दिल कर रहा है कॉफी पीने का। अच्छा जी, इस वक्त हम लोग आए हैं मेलब्लू कॉफी लेने के लिए। कॉफी लेके फिर अब हम जाएंगे एसन के घर, एसन वाले घर, और वहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे और फिर घर। सुबह शूट भी है। What is your father's occupation? Actor. Are you a big actor or small actor? Small actor. You are a small actor? Yep. The biggest actor in our family? Muneeb Bhatt. Aur drama sabse bada kaun hai? Amal Muneeb.
तो कल जो हमने इफ्तारी की यार कोई इतना ज्यादा खास मजा नहीं आया क्योंकि तीन ही डिशेस थी, बस सही था, मतलब कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। आज हम हैं मौजूद सेट पे, एक दिन की शूट रह गई थी शिद्दत ड्रामे की जो कि अभी आप देख रहे हैं मंडे ट्यूसडे 8 बजे जियो पे। 15 रमजानों में ये पहली मेरी इफ्तारी है जो मैं सेट पे करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको सेट का माहौल दिखाते हैं और फिर बताते हैं कि इफ्तारी कैसे होती है सेट पे। 5 मिनट बाकी, आप सीन करा रही हैं? वो सर कह रहे हैं ना तो करवाना पड़ेगा यार, ये कितना बड़ा जुर्म है, शिद्दत है ये काम में, शिद्दत है आप यार। 5 मिनट ये कबर में ये ड्रामा व्रामा नहीं जाएगा, अमाल जाएंगे, रोजे नमाजें जाएंगी, ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं। आए भाई चलते हैं आपको दिखाते हैं कि डिशेस कौन कौन से अब तक आ चुकी हैं। चलो आओ जल्दी से, आप लोग आ जाए, मैं आप लोगों का इंतजार नहीं करूंगा, तो जल्दी जल्दी बस पहुंचे। ये हमारा किचन है जहाँ पे कुछ नहीं बनता क्योंकि सब कुछ बाहर से आता है रेडी में। आ जाओ माशाल्लाह, हरी हुई टेबल यार, ये इसके ऊपर ना जाएंगे, आज काफी गंदा हो गया लेकिन वैसे बहुत साफ सुथरा होता है अभी तक। आई थिंक ये आ चुका है, मैंने मंगवाई है जी सब्जी और साथ मटन कढ़ाई, ये 3-4 लोगों के लिए मैंने मंगवा ली ताकि सारे मिल के खा लें। सीन खत्म करके, मेरा सीन नहीं है तो मैं फ्री हूँ, लेकिन ये इन्होंने होशियार, अरे पंखा बंद कर दो भाई, खाना ठंडा हो जाएगा यार बेटा, खाने के ऊपर पंखा थोड़ी चलाते हैं। चलो भाई इफ्तार ब्रेक, खुदा के वास्ते इफ्तार ब्रेक ले लो, पता नहीं कौन सी शहरी में पता नहीं कौन सा दही खाते हो, तो थकते ही नहीं हो भाई। चलो यार इफ्तार है, चलो 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 शाबाश, अब कोई सीन नहीं हो रहा, चलो यार इफ्तार करेंगे भाई, चलो चले 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 इफ्तारी इफ्तारी चले जी। इफ्तार हो गई है, बिस्मिल्लाह करें, बोले भजन, ओए 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 ऐसा लग रहा है करवट लेके सो रही है। आहा साथ है हमारे पे मटन कढ़ाई,